आपके साथ नेहा ठाकुर। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के गढ़ में एक दिवसीय पश्चिम बंगाल के दौरे पर आए। अमित शाह आज कोलकाता में आयोजित रैली को संबोधित कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर एनआरसी के खिलाफ टीएमसी पूरे राज्य में धिक्कार दिवस मना रही है। रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने ऐलान किया कि इस बार पश्चिम बंगाल की जनता अब बदलाव चाहती है और यहां अब निश्चित रूप से कमल खिलेगा। उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चुनौती देते हुए कहा कि हमारी आवाज को नहीं रोक सकती है। कोलकाता पहुंचे भाजपा अध्यक्ष अमित शाह जैसे ही एनएससी बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बाहर निकले तो वहां यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उन्हें काले झंडे दिखाते हुए भाजपा विरोधी नारे लगाकर उनका विरोध किया। वहीं अमित शाह ने जनसभा को संबोधित करने से पूर्व ही कोलकाता के मेयो रोड में सभा स्थल पर भी टीएमसी का रियासी विरोध देखने को मिला। सभा वाले इलाके में और उनके आसपास की सड़कें टीएमसी के झंडों से पटी पड़ी दिखी। वहां पोस्टर्स पर लिखा हुआ है एंटी बंगाल भाजपा गो बैक। रैली को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि पहले इस रैली को रोकने की कोशिश की और अब पश्चिम बंगाल के सारे स्थानीय चैनलों को डाउन कर दिया गया है ताकि लोग इस रैली का प्रसारण न देख सके। उन्होंने कहा कि बीजेपी पश्चिम बंगाल की विरोधी कैसे हो सकती है जबकि हमारी पार्टी के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल से ही थे। उन्होंने कहा कि भाजपा बंगाल विरोधी नहीं ममता विरोधी है। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि ममता बनर्जी या राहुल गांधी की कोशिशों से एनआरसी की प्रक्रिया नहीं रुकेगी। उन्होंने कहा कि एनआरसी घुसपैठियों को भगाने के लिए है। असम में न्यायिक तरीके से इसे लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पहले घुसपैठियों का वोट कम्युनिस्ट पार्टियों को मिलता था तो ममता बनर्जी घुसपैठियों का विरोध करती थी, लेकिन जब उन्हें इनके वोट मिलने लगे तो अब वो एनआरसी का विरोध कर रही हैं और उन्होंने पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बना दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एचबीएन न्यूज़।